सुनिए, कहिए कौन है आप? इंसान हूँ। नहीं, वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन इस घर में क्या करने आए हैं और किससे मिलने आए हैं आप? निगार से। निगार से? क्यों, क्या रिश्ता क्या है आपका उनसे? भाई रिश्ते तो खून के होते हैं। आप बशीरा हैं? सही पहचाना आपने। आदाब। तुम जब चाहे मुंह उठाकर यहां चले आते हो। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? आप कुछ सोचती समझती नहीं है, कभी भी कुछ भी कह देती है। आइए अब। बापू, जी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपकी बेटी हूं, आपको अब्बू नहीं पुकारूंगी तो और क्या पुकारूंगी? अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें मेरी सच्चाई पर भरोसा हुआ। तुम्हें तो इस बात का एहसास हो गया, पता नहीं तुम्हारी मां को इस बात का एहसास कब होगा। अब्बू गहरे जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरते हैं। जब मुझे आपकी बात समझ में आ गई है तो अम्मी भी जल्दी आपको समझ जाएंगी। ये सब चौधरी का किया हुआ है, उसने निगार को मेरे खिलाफ भड़काया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू, वो हमेशा अपना ही फायदा सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अब्बू को, मेरा मतलब है अली यावर साहब को भी घर से उन्होंने ही गायब किया। बहुत जालिम इंसान है वो, बहुत जालिम। बाहर खोल। मैं जालिम क्योंकि मैंने एक बीबी पर रहम किया जो शौहर की सताई हुई थी। मैं जालिम हूं क्योंकि मैंने एक औरत की शादी उस शख्स से करवा दी जो उसके साथ गुनाह में शामिल थी। मैं जालिम हूं क्योंकि उसके दो बच्चे जो अंधेरे में डूब जाते उन्हें नई रोशनी दिखाई। क्यों बशीरा, तुम हमेशा सच कहते थे, असलियत में तुम झूठ कहते थे। लेकिन मैं तुम्हारी बातों को सच समझता था। तुम्हारी बीवी के साथ नहीं बनती थी, तुमने कहा कि तुम उसे तलाक देना चाहते हो। मैंने तुम्हें तलाक दिलवाया। नहीं चौधरी, तुमने तलाक नहीं दिलवाया। झूठ मत बोलो बशीरा। ताकत का सहारा लेकर आप सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकते चौधरी। सच्चाई? कैसी सच्चाई? बशीरा ठीक कह रहा है, तुमने और निगार ने मेरे शौहर को फंसाया और मंसूबा बनाकर उन्हें गायब कर दिया।
ये सरासर इल्जाम है। अली आवर साहब ने अपनी मर्जी से शादी की और हमने बरसों खुशहाल जिंदगी गुजारी, लेकिन तुमने आकर हमारी जिंदगी को दोजख बना दिया। जो काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था वो मैंने अब किया। वरना ना तुम्हें छूट मिलती ना ही तुम कब्जा जमा कर इस घर की मालकिन बन बैठती है। वो तो मेरी बेवकूफी थी जो मैं गुस्से में आकर ये घर छोड़कर चली गई। नजमा चुप रही है। दो औरतों के बीच बोलने वाले मर्द को लोग बहुत गंदा नाम से पुकारते हैं। मैं आपको उस नाम से पुकारना नहीं चाहती। आप ये बहस बाद में कीजिए, पहले ये फैसला कीजिए कि मैं क्या करूं। सारे फसाद की जड़ तुम हो, तुमने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं, इस घर की खुशियों में आग लगाने की कोशिश की है। अब तुम इससे अपना दामन नहीं बचा सकते हो। तुम्हें भी जलना होगा। मैं कहूंगा सच तो समझोगे झूठ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए, बस। किस हक की बात कर रहे हो तुम? मेरी बीवी, मेरी बेटी और मेरा बेटा, मैं उनके बगैर जी नहीं सकता। तो ठीक है, ये फैसला निगार, मंतशा और ताहा करेंगे। ये दोनों तो यहां हैं, बस ताहा की कमी है, वो भी आ जाए तो फैसला कर लेते हैं। क्या बात, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? कुछ कहिए ना। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इनसे मिलिए, ये है तुम्हारे अब्बू। क्या
क्या हुआ था? तुम क्यों इस तरह से उठ के आ गए? अरे सच क्या है ये तो जानने की कोशिश कर लेते। क्या जानने की कोशिश करता? बड़े अब्बू ने सब लोगों के सामने उस घर को मेरा अब्बू कहा, सब लोग चुप थे, सबकी जबान पे ताले पड़ गए थे। इससे बड़ा तमाचा मेरे मुंह पे नहीं पड़ सकता। लेकिन ताहा तुम जानते हो कि सच कुछ और है। सच्चाई तो ये है कि अम्मी के बारे में जानकर मैं अपनी नजरों में गिर गया हूँ। लेकिन ताहा इसमें अम्मी की तो कोई गलती नहीं है ना? जो कुछ भी सच मेरे सामने आया उसका जिम्मेदार मैं किसे ठहरा? बशीरा को, क्योंकि वो ही अम्मी को ब्लैकमेल करता रहा। अम्मी के दिल में चोर है इसलिए वो खामोश खड़ी रही, कुछ नहीं कहा उन्होंने। समझने की कोशिश करो ताहा, वो एक माँ है, उसके बच्चों के आगे उसकी बेइज्जती की जा रही थी, वो क्या करती? मुझे तो लगता है इन सब के पीछे बड़े अब्बू का हाथ है। बड़े अब्बू? हाँ बड़े अब्बू, जरूर इसमें उनकी कोई चाल है, वरना उन्होंने बशीरा का साथ क्यों दिया? वो चाहते तो पुलिस की मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद अम्मी की बेइज्जती की और खुद इस खेल में सबके साथ शामिल हो गए। नहीं ज़ुबैदा नहीं, बगैर आग के धुआं नहीं निकलता, बगैर दर्द के आह नहीं निकलती, इसमें जरूर अम्मी की गलती है। ज़ुबैदा, अम्मी की वजह से मैं आज अपनी नजरों में गिर गया हूं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे अंधे कुएं में ढकेल रहा है। प्लीज अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूं ताहा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। तो बता, तुम समझ सकती हो ना कि इतनी बड़ी बात मुझे पता चलने पर मुझ पे क्या बीतरी होगी? मैं समझ सकती हूँ ताहा, लेकिन अब तुम्हें फैसला करना है। सुबेदा, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? उस आदमी से मिलने का। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ऐसा मत कहो बेटे, तुम तो बिजी हो, मेरा क्या, मैं तो बेकार आदमी हूं, वक्त ही वक्त है मेरे पास। ये तो अच्छा है कि ज़ुबैदा ने आपसे नंबर ले लिया, वरना मैं आपसे मिल नहीं पाता। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल पाते? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चे के बिना रह पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सच्चाई जो कुछ भी है वो मैं नहीं जानता। तुमसे जो मेरा रिश्ता है वो अब जिंदा नहीं है, और तुम जिस रिश्ते को जिंदा रखना चाहते हो अब वो नामुमकिन है। तो तुमने भी मुझे गलत समझ लिया, अपने बाप से तुमने जुदा कर लिया अपने आप को। मैं तुमसे जुड़ा ही कब था? ना तुम्हारे बारे में मैं कुछ जानता हूँ और ना ही मुझे कुछ पता है। वो तो अचानक ऐसे सामने बात आ गई कि मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, सच क्या और झूठ क्या। ये सच है बेटे कि निगाह मेरी बीवी और तुम मेरे बेटे हो। प्लीज ऐसी बातें मत करिए, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कोई मेरे कानों में गरम लोहा डाल रहा है। बस मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप अब तक कहाँ थे? तुम लोग को तलाश करता। उस दिन किस्मत से मैं उस हॉस्पिटल में पहुंच गया जहां पर निगार का इलाज चल रहा था।